ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। तो अभी हमने क्या देखा था, अभी जो हमने डायग्राम बनाया था वही डायग्राम बनाऊंगा मैं। ये था आपका सिग्मा एक्स एक्स, ये था आपका टाउ एक्स वाई, ये था आपका टाउ वाई एक्स, और ये था आपका सिग्मा वाई वाई। इसके जस्ट अपोजिट में सेम वैल्यू, सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा वाई वाई टाउ वाई एक्स। इसको मैं यहाँ से इसको अभी हटा रहा हूँ, सिग्मा एक्स लगा सिग्मा वाई लगा, ये समझ लो, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। ये जो सिग्मा एक्स लग रहा है या जो सिग्मा वाई लग रहा है, इसके कारण यदि मैं बात करूँ, इस पर बहुत सारे प्लेन होंगे, है ना। इस पर यदि हम बात करते हैं, इसका मैं यदि एक प्लेन ले लूँ जो कि आपका कितनी डिग्री से इंक्लाइंड है, आपका थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं एक प्लेन होगा जिस पर हमको यदि बात करते हैं, हमको इसके किसी प्लेन पर जो कि थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है, उस पर हमको क्या निकालना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड करनी है। वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस कहलाता है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं, इसको मैं यहाँ से उठा के इस वाले डायग्राम को बस मैं यहाँ बना रहा हूँ, अच्छा इसके एक चीज़ और है, इसके यदि नॉर्मल में तो यदि पता करना कि एंगल कितना है थीटा डिग्री, तो आपको इसको यदि कैलकुलेट करना, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आप क्या करते हो, नॉर्मल से आप क्या निकाल देते हो, आप एक परपेंडिकुलर या नॉर्मल बना देते हो इस प्लेन के, ठीक है, और उसको कैलकुलेट करते हो कैसे, आपका जो आपकी एक्स डायरेक्शन है ना, उससे आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, जितना थीटा ये है उतना थीटा आपका क्या होगा, ये भी होगा, ठीक है। ये पता चल जाता है कि कितने डिग्री से आपका प्लेन क्या है, आपका इंक्लाइंड है, ठीक है। तो चलो इसको आप अब यदि यहाँ पर अपन देखते हैं, तो इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे अपन, ठीक है, मैं सीधे फॉर्मूला बताऊँगा। ये क्या है आपका, ये कैलकुलेट करना है सिग्मा, और आपको कैलकुलेट करना है ये टाउ, इस टाउ की मतलब इस प्लेन पे जो ये आपका प्लेन था जो कि थीटा डिग्री से इंक्लाइंड था, इसमें नॉर्मल स्ट्रेस कितनी जनरेट होगी और इस पर शेयर स्ट्रेस कितनी जनरेट होगी, है ना। तो यदि इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको पूरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जमा के और इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का रिजॉल्व करने के बाद जो आपकी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, सिग्मा की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय टू, बोलो, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा की, मतलब ये जो आपको वैल्यू मिलने वाली है ये क्या मिलेगी आपको, ये फॉर्मूले में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाउ की वैल्यू क्या आएगी, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला याद है, सेम हो इसी के जैसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूले में, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, है ना, नहीं आएगा, आएगा ना, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू, आगे साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपने सिग्मा निकाल लिया और टाउ निकाल लिया, ठीक है। अब इसके आगे यदि हम बात करते हैं, यदि आपको निकालना है, इस पर बहुत सारे ऐसे प्लेन होंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसे बहुत हज़ारों की संख्या में आपके ऐसे प्लेन होंगे ना इस पर, लेकिन कोई ना कोई एक प्लेन ऐसा होगा जिसमें कि वैल्यू क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। अब वो यदि उसका आपको थीटा निकालना है कि किस एंगल पर आपको नॉर्मल प्लेन मिलेगा, तो थीटा निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, आप क्या कर दो इसको, डी सिग्मा डिवाइड बाई डी थीटा कर दो, है ना, इसको टू इसको क्या कर दो, जीरो कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, वो एंगल मिल जाएगा जिस पर कि आपको वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, टेन टू थीटा पी इसक्वल टू टू टाउ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, यहाँ से आपको क्या मिल गया, वो प्लेन मिल गया, ठीक है, जहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, किसकी, स्ट्रेसेस की, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की, ठीक है। अब प्लेन आपको मिल गया, प्लेन मिल गया तो वापस से आप क्या निकालना चाह रहे हो, उस पर स्ट्रेस निकालना चाह रहे हो, क्योंकि अभी आपने क्या निकाला, ये किसी भी प्लेन के लिए है आपकी ये वैल्यू, किसी भी प्लेन पे आप नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हो, शियर स्ट्रेस निकाल सकते हो, लेकिन यदि हम बात करूँ आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, है ना। तो मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए पहले आपको प्लेन पता होना चाहिए, तभी तो आप उस पर स्ट्रेस निकालोगे, है ना। तो सबसे पहले आप प्लेन निकालने के लिए क्या करोगे, इस वैल्यू को आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे, मतलब इस वाले फॉर्मूले को, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, उसके बाद आपको क्या मिलेगा,
थीटा मिलेगा। तो थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा आपका इसको सॉल्व करने के बाद, टेन टू थीटा पी इक्वल टू टू टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब इस प्लेन से जो आपको ये प्लेन मिल गया कि इतने डिग्री पे है, इस प्लेन पे आप क्या निकालोगे, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस, उसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं, मैक्सिमम भी निकाल सकते हो, मिनिमम भी निकाल सकते हो। यदि आप ये कहीं पर लगा रहे हो तो वैल्यू क्या, आप या तो वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी या तो वैल्यू मिनिमम मिलेगी, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या, किसकी, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की। तो यदि हम बात करते हैं सिग्मा वन या सिग्मा मैक्स लिखना हो, सिग्मा मैक्स लिख सकते हो, कई बुकों में सिग्मा वन लिखा रहता है, सिग्मा टू लिखा रहता है, कई जगह पर सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होना। सिग्मा वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सिग्मा वन सॉरी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस अंडर रूट क्या जाएगा आपका, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, है ना। ठीक है, वहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा कि प्लस ही रहेगा, माइनस आएगा ये यहाँ पे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये आपका आता है। अब यदि हम बात करते हैं, यदि ये आपका क्या है, मैक्सिमम है, यदि मिनिमम निकालना आपको तो मिनिमम क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल गई और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल गई। ठीक है, अच्छा यहाँ तक नोट करो, फिर टाउ की बात करते हैं। ये वाला फॉर्मूला भी याद करना है, ये वाला फॉर्मूला भी याद करना। चलो नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, अभी अपन ने देखा था एंगल ये वाला, ये किसके किसके बीच में एंगल था आपका, ये एंगल कौन सा एंगल था, ये जहां पर आपका स्ट्रेस की वैल्यू क्या मिल रही थी, मैक्सिमम या मिनिमम मिल रही थी, है ना। ऐसे ही हम शेयर स्ट्रेस के लिए भी एंगल निकालेंगे, है ना। तो लिख लेना कॉपी में, लिखना एंगल बिटवीन, या लिख लो ऐसे लिख लो, एंगल ऑफ प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, एंगल ऑफ प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो इसका फॉर्मूला जैसे यहाँ पर आया था, सेम ऐसे ही फॉर्मूला है। यहाँ पर आपने 2p, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल था इसलिए मैंने यहाँ पर p लिखा हुआ है, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस का एंगल है इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ। इसका एंगल लिख लेना सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाई टू टाउ एक्स वाई। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये थीटा हमको मिल गया, जब हमको ये एंगल मिल गया तो इस प्लेन पर, यहाँ इससे हमको क्या मिला, प्लेन मिला, इस प्लेन से हमको पता चलेगा कि इस वाले प्लेन पे हमको क्या वैल्यू क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। तो उस वैल्यू को कैसे निकालेंगे हम, तो उस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, टाउ मैक्स या निकालना चाहते हैं हम, टाउ मैक्स निकालना चाहते हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे निकाल देंगे इसको। इसको निकालने का एक फॉर्मूला और होता है ना, क्योंकि आपको इसको या तो मैं यहाँ पर सिग्मा वन भी लिख सकता हूँ, सिग्मा वन और सिग्मा टू, यदि आपको ये वैल्यू चाहिए है तो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, और आसान तरीके से क्या हो जाएगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइड बाई टू, ऐसे भी निकाल सकते हो यदि आपको सिग्मा वन और सिग्मा टू की वैल्यू पता है। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा, इसको नोट कर लो फटाक से और दो लाइन लिखो जल्दी से। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच में एंगल मैंने लिखवाया था कितना, 90 डिग्री का। अब या तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस ले लो और शेयर स्ट्रेस ले लो, या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस ले लो और शेयर स्ट्रेस। यदि शेयर स्ट्रेस आपका आ गया है ना, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। ठीक है, इसके साथ यदि इन दोनों में से कोई भी एंगल बन रहा तो 45 डिग्री का। ठीक है, लिखो फटाक से, एंगल बिटवीन मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड एंगल बिटवीन मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज 45 डिग्री, और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की जगह नेक्स्ट लाइन में माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कर लो, बाकी वैल्यूज बाकी चीजें सेम लिख रहे हैं, तो और एंगल 45 डिग्री कर दो। ठीक है, कई बार एग्जाम पे प्रिंसिपल प्लेन की डेफिनेशन पूछ लेता, तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा, जहां पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो या जीरो हो, क्या हो, मैं पूछ रहा हूँ क्या हो सकती है,
या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, क्या हो? इसकी जहाँ पर शेयर, क्या बोला था मैंने, प्रिंसिपल प्लेन है ना, तो जहाँ पर आपकी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होगी वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा। तो इसको नोट कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव पूछता, ठीक है। एक लाइन और लिखना, ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब जहाँ पर हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलता है वहाँ पर यदि आपको क्वेश्चन है पूछ ले नॉर्मल स्ट्रेस निकालना, ठीक है, समझ में आई बात? देखो शेयर स्ट्रेस का प्लेन अलग ही मिलेगा आपको क्योंकि उसका एंगल ही अलग है, अगर उस पर आपको निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस, ये मत समझना कि ये इसी वाले जो ये प्लेन मिला था उस पर ही आपको मैक्सिमम मिल जाएगा शेयर स्ट्रेस, नहीं, शेयर स्ट्रेस अलग प्लेन पर मिलता है ना। तो जहाँ पर ये मिलेगा यदि उस जगह पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है तो उस जगह पे नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू, ठीक है, आगे समझ मैंने क्या बोला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेस वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो कंप्लीट हुआ। अपन चल रहे हैं कहाँ पर, स्ट्रेन पे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता क्या है, कौन बताएगा? अखिलेश, व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ है ना। तो चेंज स्ट्रेन को यदि हम दूसरे शब्दों में बोलें तो डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि स्ट्रेन है क्या एक्चुअली में, डिफॉर्मेशन ही तो है ना। और यदि हम बात करते हैं स्ट्रेन में बेसिकली होता क्या है, तो आपका शेप एंड साइज किसी बॉडी का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, ठीक है। इस पर लिखना स्ट्रेन पे, डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल इज ऑल्सो नोन एज डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल इज रिप्रेजेंट एज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन दो प्रकार की हो सकती है, कौन कौन सी स्ट्रेन कितनी प्रकार की होती है, ये वाली डेफिनेशन तो पता है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये तो पता है आपको, तो ये बताने का कोई मतलब है नहीं है। मैंने क्या बोला, स्ट्रेन का मतलब होता है डिफॉर्मेशन किसी भी मटेरियल में एक्सटर्नल लोड के कारण, या तो उसका साइज चेंज होता है या तो उसका शेप चेंज होता है। अब यदि शेप चेंज हो रहा है या तो साइज चेंज हो रहा है, अब यदि हम बात करते हैं इसी से निकल के आते हैं स्ट्रेन के टाइप, यदि साइज चेंज हो रहा तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। जैसे यदि ये बॉडी है हमारी, इस पे आपने लगाया क्या लोड कुछ इस तरीके से, और इसका क्या हो गया, इसकी पहले लेंथ कितनी थी, एल थी है ना। अब क्या हो गया, इस पे कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आया डेल्टा का, मतलब क्या चेंज हुआ, इसका साइज चेंज हुआ, तो साइज चेंज हुआ तो ये क्या हो जाएगी आपकी, नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। और यदि उसका शेप चेंज हो रहा है, तो शेप चेंज होगा तो क्या कहला जाएगा, वो शेयर स्ट्रेन। कैसे, ये एक बॉडी है आपकी, इस पे लगाया मैंने लोड कुछ इस तरीके से, या इस पे कुछ इस तरीके से लोड लगाया, ठीक है, तो ये अपना क्या चेंज कर लिया, शेप चेंज कर लिया है ना, दिस एंगल इज अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, शेयर स्ट्रेन। तो लिख लो स्ट्रेन के टाइप में, सबसे पहले तो स्ट्रेन की डेफिनेशन लिख लिया आपने, एक्सटर्नल लोड लगने के कारण या तो उसका क्या हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है या तो शेप चेंज हो रहा है। दूसरी चीज़ यदि हम बात कर रहे हैं डिफॉर्मेशन को, ही हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेन दो तरीके की है, यदि शेप चेंज हो रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेन बोलते हैं, साइज चेंज हो रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन बोलते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यहाँ से लिख सकते हो लेंथ कितनी चेंज हुई, डेल्टा एल, तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एप्सिलॉन से,
ठीक है। स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगी नॉर्मल स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, शियर स्ट्रेन को हम कई जगह पर फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा से शो करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में है क्या शियर स्ट्रेन, ये क्या है आपकी शियर स्ट्रेन लैम्डा, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आप लोगों ने डिराइव किया होगा, पहले ये एंगल कितना है, अभी एंगल मान लो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि आपको ये वाला एंगल चाहिए तो 90 माइनस अल्फा लिख दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, है ना। तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू आप लिख सकते हो 90 माइनस अल्फा, तो ये हो गया आपका शियर स्ट्रेन। अब इसके डेरिवेशन भी हैं, स्पेशल केसेस में यदि हम बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेन, इतना लिख लो मैं फटाक से मिटा रहा हूँ इसको, फिर इसके स्पेशल केसेस की बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस में, नॉर्मल स्ट्रेन पे और शियर स्ट्रेन पे, यही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यदि आपको चाहिए एक्स डायरेक्शन पे, ये आपकी क्या है एक्स वाई जेड, जैसे हमने स्ट्रेस में पढ़ा था, एक्स डायरेक्शन पे यदि हम बात करते हैं, एक्स डायरेक्शन पे यदि स्ट्रेन निकालनी है तो एक्स डायरेक्शन पे स्ट्रेस निकालोगे तो क्या आएगी, डी यू अपॉन डी एक्स, यही आएगी ना, डी यू अपॉन डी एक्स यही आएगी ना स्ट्रेन, नहीं आएगी, ये आपका डेरिवेशन है इसका, है ना। और इसके क्वेश्चन गेट में भी आते हैं, यदि वाई डायरेक्शन पे स्ट्रेस निकालोगे, स्ट्रेन निकालोगे तो क्या जाएगा, ये डी वी अपॉन डी वाई, और यदि जेड डायरेक्शन पे स्ट्रेन निकालोगे तो यू वी डब्ल्यू डी जेड, ठीक है। ये हो गया, इसको नोट कर लो, ये भी एग्जाम पर पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं इसके, ठीक है। तो आपके इस वाले एग्जाम पर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यदि हम इसको स्पेशल केस करके लिख लेना, स्पेशल केस, इसका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन कराने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है अभी, ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं शियर स्ट्रेन के, तो शियर स्ट्रेन पे भी स्पेशल केस में लिख लेना, इसका भी स्पेशल केसेस पे लिख लेना, क्या लिखोगे इस पर, यदि आपको स्ट्रेन चाहिए एक्स वाई प्लेन पे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे यार, ये वाला लिख लिया, इस साइड का तो लिख लिया होगा, ये x है, ये y है और ये z है, u v w, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स वाई लिखा है, ठीक है। जब यहाँ एक्स वाई लिखा है तो यहाँ पे सपोज दैट आप एक्स लिख रहे हो यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप क्या लिख रहे हो, वाई लिख दिया, जो यहाँ पर लिखा वो यहाँ पर लिख दिया, याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। अब इसके जस्ट अपोजिट वाली वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर यू है, एक्स के साथ में यू है ना, तो एक्स के साथ में क्या आएगा, वी, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, यू, समझ में आई बात। जैसे नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, यदि आपको स्ट्रेन निकालनी है वाई जेड प्लेन पे, तो आपने क्या लिखा, इस वाई को लिख दिया प्लस डी जेड, इस वाले वाई जेड को लिख दिया, ये चीज़ समझ पे आई, वाई जेड है, वाई जेड लिख दिया। अब वाई के साथ यहाँ पर क्या है, वी, और जेड के साथ में यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू, तो यहाँ पर मैं किसको लिखूँगा, डब्ल्यू को, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, वी को, ठीक है। इससे मैं एक क्वेश्चन भी कराऊँगा, अभी समझ में आएगा किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, जेड एक्स, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पर आपने लिख दिया क्या, अब जेड के साथ देखो, जेड के साथ क्या आता है, डब्ल्यू, और एक्स के साथ क्या है, यू, तो यहां पे आ जाएगा यू, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, डब्ल्यू। फटाक से इसको नोट कर लो, हाँ, शियर स्ट्रेस में यदि आपको निकालने को बोल दे, शियर स्ट्रेन पढ़ रहे हैं ना अपन, शियर स्ट्रेन एक्स वाई प्लेन में कितनी आएगी, शियर स्ट्रेन, हाँ, शियर स्ट्रेन वाई जेड प्लेन पे कितनी आएगी, और शियर स्ट्रेन जेड एक्स प्लेन पे कितनी आएगी, इसका डेरिवेशन होता है, जो कि मैं नहीं करा रहा हूँ, वो भी डेरिवेशन तो थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन करवा दूँ क्या इसका, एक छोटा सा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम पे, उसको लिखो क्वेश्चन, इन अ प्लेन स्ट्रेन सिचुएशन,
इन अ प्लेन स्ट्रेंज सिचुएशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट इज गिवन बाय u इज इक्वल टू -2x + 8y इंटू 10^-6 यूनिट एंड v इज इक्वल टू -3x + 5y इंटू 10^-6 यूनिट। u की वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू दी हुई है। व्हेन u, v इज द डिस्प्लेसमेंट इन xy डायरेक्शन, व्हेन uv इज द डिस्प्लेसमेंट इन xy डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द शियर स्ट्रेन इन xy प्लेन, व्हाट इज द शियर स्ट्रेन इन xy प्लेन। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6 × 10^-6 यूनिट, ऑप्शन बी 7 × 10^-6 यूनिट, ऑप्शन सी 5 × 10^-6 यूनिट एंड ऑप्शन डी 2.5 × 10^-6 यूनिट। करो इस क्वेश्चन को। शेयर स्ट्रेन निकालना है किस पे, एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, जब एक्स वाई प्लेन पे निकालना तो क्या लगाओगे, शेयर स्ट्रेन ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, मतलब आपको निकालना है क्या, dv/dx निकालना है और du/dy निकालना है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं v की, तो v की इक्वेशन क्या है, ये है। अब यदि v का आप क्या करते हो, डिफ्रेंशिएशन करते हो, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो x है, ये वैल्यू हो जानी जीरो, है ना, नहीं सॉरी वी के एक्स के रिस्पेक्ट में बात करनी ना, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, बाकी सब हो जाएगा 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, -3 × 10^-6, है ना, हो जाएगी ना। अब यदि इसकी बात करते हो du/dy की, तो du/dy कितना आ जाएगा, 8 × 10^-6 यूनिट, है ना। अच्छा, जब ये दोनों वैल्यू आ गई, इन दोनों को प्लस कर दो, एक्स वाई पे आपको क्या मिल जाएगी, शेयर स्ट्रेन मिल जाएगी, तो 5xy यदि आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा, -3 + 8 × 10^-6, तो वैल्यू क्या आ गई, 5 × 10^-6 यूनिट, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पे आते हैं, देख के डर लग जाता है। चलो इसको नोट कर लो फटाक से। शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, तो शेयर स्ट्रेन टाउ एक्स वाई, यदि किसी प्लेन पे बात, एक्स वाई प्लेन पे बात कर रहे हो, तो टाउ एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स वाई। अब वो खुद लिख सकते हो क्या, स्ट्रेन टेंसर खुद बना सकते हो, स्ट्रेस टेंसर बन जाएगा तो स्ट्रेन टेंसर भी बन जाएगा, लेकिन याद रखना जहाँ जहाँ पर भी आप स्ट्रेन की वैल्यू, आपने जहाँ जहाँ पर ये एक्स वाई लिखी ये तो ठीक है, ये वाली आपकी वैल्यू चल जाएगी एक्स 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 वाई और ये एक्स जेड, मतलब epsilon xx epsilon yy epsilon zz चल जाएगी, लेकिन जहाँ पर भी शेयर की बात आएगी वहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसको पूरा नहीं लिखोगे आप, ऐसा नहीं लिखोगे आप, डिवाइड बाय 2 लिखने का रीज़न क्या है, क्योंकि आपको पता है किसी प्लेन पे, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे ये प्लेन है आपका, ये कुछ इस तरीके से है, तो यदि आप टोटल शेयर स्ट्रेस की बात करोगे इस पूरे प्लेन पर, तो आधी ये है आधी ये है, तो आपने तो आधी ली ना इस वाले पॉइंट पर, इसलिए आप आधी ले रहे हो। जैसे मैं यदि पॉइंट ओ पे बात करूँगा, यदि मैं इस पूरे प्लेन पे बात करूँगा कि शेयर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, तो यदि आपने इस पूरे प्लेन पे बात की है कि ये इतनी वैल्यू है शेयर स्ट्रेन की, या आपने बोला कि इतनी वैल्यू है, तो आधा ये वाला पोर्शन आएगा आधा ये वाला पोर्शन आएगा, मतलब मैं इसको लिखूँगा क्या, मान लो इसको मैं 1 लिख देता हूँ, इसको मैं 2 लिख देता हूँ, और इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, जितना यहाँ से डिस्प्लेस होगा उतना ही आगे जाएगा, इक्वल होगी वैल्यू, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा ना।
तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा वाई वन प्लस डिवाइड बाई ये, ठीक है, ये आधा पोर्शन, ये आधा पोर्शन, दोनों की वैल्यू मिलके ही हमारा क्या बन रहा है, शेयर स्ट्रेन बन रहा है। हम एक पॉइंट पर ले रहे हैं इसलिए हमने क्या लिया हुआ है, आधा लिया हुआ है स्ट्रेन पर। नहीं आ रहा समझ पर, देखो जब आप इसका क्या लिखोगे, स्ट्रेन टेंसर लिखोगे, लिख लोगे ना, लिख लोगे, चलो लिख के बताओ, स्ट्रेन टेंसर 3D में लिखना पहले, उसके बाद 2D पे लिखना है, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन बतानी है कौन कौन सी है, समझ में आई बात, 2D में लिखो, 3D में लिखो, अखिलेश लिखो, ये तो हो गई कि आपकी नॉर्मल स्ट्रेन, अब ये आपका X था है ना, तो X तो यहां पे आएगा ही आएगा, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा जेड डिवाइड बाय टू, ठीक है। ऐसे यदि हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये क्या है, वाई है ना, तो ये वाई, ये वाई, ये तो नॉर्मल थी, ये वाली क्या है, शेयर स्ट्रेन है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, जैसे वहाँ पर शेयर स्ट्रेस थी है ना। अब ये क्या हो जाएगा एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका जेड डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू। ऐसे यदि हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा जेड, ये भी हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन कौन कौन सी हो जाएगी, ये दोनों इक्वल होंगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। यहाँ तक किसी समझ में आ गई, ठीक है। अब जैसे वहाँ पर स्ट्रेन के लिए फॉर्मूले लिखे थे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन के स्ट्रेस के फॉर्मूले लिखे थे ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के फॉर्मूले, वैसे यहाँ पर भी आप लिख सकते हो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन के फॉर्मूले है ना, तो लिखो। जैसे वहाँ पर यदि अपन ने बात करें, यहाँ पर सिग्मा का फॉर्मूला, सिग्मा और टाउ निकाला था ट्रांसफॉर्म, देखो मैं यहीं पर टॉपिक कंप्लीट करा दे रहा हूँ आपका, आपने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस, तो आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन्स है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला बताओ थोड़ी सा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू डिवाइड बाई टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइड बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, ये फॉर्मूला था है ना। अब यदि यहाँ पर स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला लिखना है किसी प्लेन पे, यदि आपको नॉर्मल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन निकालनी है, तो शेयर स्ट्रेन के फॉर्मूले में क्या जाएगी वाली, ये एक्स वन है और यहाँ पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होगा, ठीक है, ये लिखा था अपन ने फॉर्मूला। अब यदि यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला यहाँ पर किस तरीके से लिखोगे, एक्स डायरेक्शन पर नॉर्मल स्ट्रेन, वाई डायरेक्शन पर नॉर्मल स्ट्रेन प्लस x डायरेक्शन पर नॉर्मल स्ट्रेन, y डायरेक्शन पर नॉर्मल स्ट्रेन प्लस cos 2 थीटा प्लस, अब यहाँ पर बात आती है शेयर की, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, tau xy वाई डिवाइड बाई टू साइन टू थीटा, क्लियर। ऐसे यदि आप निकालना चाहोगे क्या इसके लिए थीटा, तो थीटा का एंगल तो आप निकाल सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर 2 इंटू tau xy था वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई टू हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा उस फॉर्मूले में है ना, ठीक है। उसके आगे फिर आप शेयर स्ट्रेन भी निकाल सकते हो, उसका भी फॉर्मूला बना सकते हो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये वाला टॉपिक भी आपका क्या फिनिश माने, कंप्लीट कर लोगे, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, एक पॉइंट और लिख लेना, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब ये ई मैक्स और ई मिनिमम का फॉर्मूला आप बना चुके होंगे है ना, बन जाएगा ना। चलो अब लिखो एक क्वेश्चन, ये होता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, यदि आप निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल सकते हो, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम करके, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, ए बॉडी इज सब्जेक्टेड, ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू नॉर्मल स्ट्रेन, टू नॉर्मल स्ट्रेन ऑफ मैग्नीट्यूड एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको 0.003 और एप्सिलॉन वाई की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन पे 0.002। द शेयरिंग स्ट्रेन,
द शेयरिंग स्ट्रेन ऑन अ प्लेन द शेयरिंग स्ट्रेन ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विथ एप्सिलॉन एक्स with epsilon x given by सॉल्व करो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ ऑप्शन ए है आपके पास अंडर रूट 3/2 इंटू 10^-3 ऑप्शन बी है आपके पास अंडर रूट 3/4 इंटू 10^-3 ऑप्शन सी है आपके पास 1/2 इंटू 10^-3 एंड ऑप्शन डी है आपके पास 1/3 इंटू 10^-3 शेयर स्ट्रेन निकालनी है क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला लिख दिया था आपका प्रिंसिपल उसका नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला लिखा था शेयर स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला आपको खुद बोला था लिखने के लिए लिखो पहले फॉर्मूला लिखो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो नहीं बनेगा वहां पे टाउ का फॉर्मूला क्या लिखा था नॉर्मल स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेस जब वहाँ पढ़ी थी शेयर स्ट्रेस पढ़ी थी शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या लिखा था हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ वो तो तुम लोग को बनाना था ना खुद से नहीं बना पाओगे हाँ चलो देखो इस पर यदि हम बात करते हैं इसका पहले फॉर्मूला बताओ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू ये था प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू ये था और आगे क्या था यहाँ पे साइन माइनस था ये माइनस साइन टू थीटा और आगे क्या था टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा यही था ना फॉर्मूला वाई ये ठीक है अब डिवाइड बाई टू साइन टू थीटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा इसकी जगह पे ये आ जाएगा एक्स वाई बाई टू कॉस टू थीटा है ना क्या नहीं दिया तो ये जीरो हो जाएगी पूरा टर्म जीरो हो जाएगा इस पर बस वैल्यू पुट करनी है तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसकी वैल्यू कितनी थी 0.003 माइनस 0.002 डिवाइड बाय 2 साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा तो थीटा कितना दिया हुआ है कुछ दिया क्या अच्छा ये पूरा 30 दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी साइन 60 तो मतलब ये आ जाएगा अंडर रूट 3/2 है ना तो ये आ जाएगा 0.001 इंटू अंडर रूट 3/4 मतलब अंडर रूट 3/4 इंटू 10^-3 ये आ जाएगा आंसर हाँ सॉरी ये ठीक है अब इसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा तब तो वीडियो में आएगा चालू था ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं सही है ना तो क्या दिक्कत है यहाँ देखो ये सही है ना सही तो सॉल्व किया ठीक तो इस तरीके का इसका भी क्वेश्चन आ जाएगा ये बन जाएगा ना और क्या बोलते हैं अगर उस पर लिखा हुआ वो वाला फॉर्मूला तो टाउ वाले फॉर्मूले में क्या लिखवा दिया था मैंने चलो मैं इसको करेक्शन करा देता हूँ यहीं पर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू आगे कॉस टू थीटा यहाँ पे साइन टू थीटा था हाँ
प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, है ना। उस पर जो वहाँ पर लिखा हुआ था आगे, वो वाला स्टेप नहीं आएगा, जो आगे लिख दिया था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू, है ना। ये सही फॉर्मूला, ठीक। आगे देखो, अब ये हो गया तुम्हारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया।